क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री का एक शून्य दिया है ए, तो ए का मान बताइए। तो यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है, बहुपद एक्स पावर थ्री माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे ए की वैल्यू पूछी गई है, शून्य भी दिया गया है ए। अब शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, तो ये जो ए दिया गया एक्स की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, तो यही एक्स की वैल्यू इस बहुपद में पुट कर दी जाएगी और यहाँ पे इसे सॉल्व कर दिया जाएगा। सॉल्व होने के बाद जो ए का मान निकलेगा वही ए का मान होगा। तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स बराबर ए बहुपद में रखने पर, एक्स के स्थान पर लिखेंगे हम ए को, ए पावर थ्री माइनस फिर ए इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर लिखेंगे ए और स्क्वायर लगी है तो स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, फिर प्लस एक्स के स्थान पर ए और प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो ए पावर थ्री को ए पावर थ्री रखेंगे, ए का गुणा होगा ए स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएंगे ए पावर थ्री, और यहाँ पे प्लस के लिखे हैं और प्लस थ्री लिखे हैं, उनको लिखना है ज्यों का त्यों। ए पावर थ्री से माइनस ए पावर थ्री कट हो जाएंगे, अब यहाँ पे बचेंगे ए प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ए को लिखिए अपने स्थान पे, प्लस थ्री को कर दीजिए पक्षांतर, तो यहाँ पे प्लस थ्री जब पक्षांतरित होके जाएंगे दूसरे पक्ष की तरफ, तो यहाँ पे बन जाएंगे माइनस थ्री, तो ए की वैल्यू आएगी माइनस थ्री। तो यही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्य ए माइनस बी कोमा ए कोमा ए प्लस बी हो, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुपद दिया गया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और शून्यक दिए गए हैं बहुपद के ए माइनस बी, और दूसरा शून्यक दिया गया ए, और अंतिम जो तीसरा शून्यक है वो दिया गया है ए प्लस बी, और यहाँ पे मान पूछे गए हैं ए कोमा बी के, यानी ए और बी के मान पूछे गए यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ शून्यक ए और बी के मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणांक छांटने होंगे। तो बहुपद में जो गुणांकों की संख्या होगी, तो यहाँ पे गुणांक जो प्राप्त होगा वो पहला गुणांक होगा ए बराबर एक्स क्यूब का गुणांक है एक, और यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा गुणांक माइनस थ्री, सी बराबर होगा यहाँ पे एक यानी प्लस वन, और डी बराबर जो गुणांक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा एक। तो यहाँ पे सबसे पहले एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला लगेगा माइनस बी अपॉन ए, और जो ये शून्य दिए गए थे ए माइनस बी और ए और ए प्लस बी, तो इन्हें माना जाएगा एल्फा और दूसरे को बीटा और तीसरे को मान लिया जाएगा गामा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, बीटा के स्थान पे लिखेंगे ए को, और अंत में गामा के स्थान पे लिखेंगे ए प्लस बी को। यहाँ पे मान रखिए माइनस बी का मान होगा यहाँ पे माइनस तीन अपॉन ए का मान दिया गया है वन, और यहाँ पे देखिए अब माइनस बी से प्लस बी कटेगी, यहाँ पे बचेंगे ए तीन बार बच रहे हैं तो तीनों ये जोड़ दिए जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे थ्री ए, और यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस थ्री अपॉन वन, तो यहाँ पे प्राप्त होगा प्लस थ्री अपॉन वन। इनको आगे सॉल्व करिए, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे थ्री अपॉन, और ये वाले तीन यहाँ पे पक्षांतरित होके जाएंगे भाग में, तो थ्री से थ्री कटेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा ए का वन मान आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ए का जो मान निकल के आया है, ए का मान निकल के आया है वन, अब फिर एक फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यहाँ भी मान पुट कर दीजिए, तो अल्फा का मान है यहाँ पे ए माइनस बी, बीटा की जो वैल्यू है वो है सिर्फ ए, और गामा की वैल्यू है ए प्लस बी, और इधर भी मान पुट कर दीजिए माइनस डी की वैल्यू है यहाँ पे, डी की जो वैल्यू हमने निकाली थी तो डी की वैल्यू निकली थी वन, फिर अपॉन डी अपॉन ए, ए की वैल्यू भी यहाँ वन निकलेगी तो वन माइनस वन अपॉन वन, और यहाँ पे मान रख दीजिए ए का मान एक निकला था, तो जहां पे ए लिखे हैं वहां पे लिखा जाएगा एक, तो वन माइनस बी
यहाँ भी बल लिख दिया जाएगा, वन प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ पे किया जाएगा गुणा, तो वन का गुणा अगर चाहे यहाँ कर दे चाहे यहाँ कर दे तो उतना ही रहेगा सिर्फ, फिर हमें गुणा करना होगा वन माइनस बी इंटू वन प्लस बी। यहाँ पे बनेगी कंडीशन वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब वन का जो स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे आएगा वन, और ये माइनस बी स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखा जाएगा, बराबर लिखे जाएंगे माइनस वन। अब माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखिए उन्हें वैसे ही लिखिए, माइनस वन को अपने स्थान पे रखिए और प्लस के वन को पक्षांतरित करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन। फिर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन और फिर माइनस वन, ये दोनों जोड़ के लिखे जाएंगे माइनस टू। फिर माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, बी बराबर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट दो। तो इस प्रकार से ये दोनों मान प्राप्त होंगे, ए बराबर वन और बी बराबर प्लस माइनस रूट दो। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो इस सवाल को लिखा कैसे जाएगा, इस क्वेश्चन को जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इस प्रकार से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये जो वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू दी गई है तुम्हें दो दी गई है वैल्यू, और जो अगली वैल्यू दी गई है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो ये वाली वैल्यू दी गई है -7, और अंतिम जो तीसरी वैल्यू दी गई है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये वाली वैल्यू दी गई है -14। अब इन तीनों वैल्यूज का प्रयोग करके हमें एक समीकरण निर्मित करना है, त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण बनाने के लिए एक सबसे अच्छा फार्मूला है त्रिघात समीकरण बनाने का, वो तो फार्मूला है ये, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा और गामा बराबर जीरो। अब इस समीकरण में ये तीनों मान पुट करिए तो एक्स पे घात 3 लिखे जाएंगे जो कि क्यों, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है 2, तो यहाँ पे लिखे जाएंगे 2 और एक्स स्क्वायर को लिख दिया जाएगा ज्यों का त्यों। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की वैल्यू दी गई है -7, और एक्स को लिखिए फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान दिया गया है -14 इज इक्वल टू 0। अब कर दीजिए सॉल्व, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो 2x² फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 7x, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ भी माइनस था तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर।